आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जालौन जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने के लिए ईवीएम जागरूकता एलईडी वैन को हरी झंडी देकर रवाना किया। बता दें, ये जागरूकता वाहन जिले के सभी ब्लॉकों में जाकर लोगों को ईवीएम से मतदान करने का प्रशिक्षण देगा, साथ ही साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी करेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट के प्रति लोगों के जागरूक करने के लिए दो एलईडी वैन जो है वो रवाना की गई है, जो कि लोगों को ईवीएम के इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी देगी। हालांकि इससे पहले भी चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करने के लिए इन वैनों को रवाना किया गया है। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विधानसभा 2022 की जो तैयारियां हैं वो बड़े तेजी से चल रही हैं और निर्वाचन आयोग के द्वारा विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण चल रहा है। इसी क्रम में जो है ये एलईडी वैन दो रवाना की गई हैं। ये विभिन्न ब्लॉक्स में जाएंगी और विभिन्न तहसीलों में जाएंगी और जो भी हमारे मतदाता हैं उनको ईवीएम और वीवीपैट इनके बारे में पूरी जानकारी देंगी। एक फिल्म के माध्यम से इनको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे उन्हें वोट डालना है, ईवीएम का प्रयोग कैसे करना है। यद्यपि पूर्व के चुनाव में भी लोग इसका प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रत्येक वैन पर एक मशीन भी रखी जाएगी, जिसमें लोगों को ये प्रदर्शन किया जाएगा कि किस तरह से उन्हें अपने मत का प्रयोग करना है। और इस तरह की मशीनें प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर रखी जाएंगी, एक जिला मुख्यालय पर रखी जाएगी, वहाँ पर एक व्यक्ति भी नियुक्त किया जाएगा जो इन मशीनों से वोट डालने का प्रदर्शन सभी के लिए करेगा। कितने दिन का ये रहेगा रुझान और कितनी मशीनें इसमें मतलब प्रशिक्षण लगाएंगे? ये अभी फिलहाल तो एक महीने के लिए जो है इस तरह की वैन जो है संविदा पर ली गई है और हो सकता है इसे आगे भी, जब तक चुनाव ना हो, ये